नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से निश्चित ही काफ़ी सारे अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो हमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने ये जरूर सुना होगा कि जो भविष्य में केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें केंद्रीय विद्यालय के जो RR होते हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, तो उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। बाकी मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता दूं, ऐसा भी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर आप एक्टिव होंगे तो जरूर आपने इस विषय में सुना होगा और साल के स्टार्टिंग में आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे ताकि आपके जो छोटे मोटे डाउट हैं उन्हें दूर किया जा सके। बाकी जब भविष्य में ऑफिशियल कुछ भी अगर हमारे पास ऑथेंटिक अपडेट आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, यदि दोस्तों आप अपने सीटेट एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको सीटेट पेपर 1 से संबंधित, जो कि आपका पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए होता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो सीटेट का ऑफिशियली लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी, 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2019 और 2020 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यह बुक NCERT पुस्तकों पर आधारित है, तो आप ये इधर सिलेबस देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी सीटेट का ऑफिशियली पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं अध्यापन कला यानी कि शिक्षा शास्त्र की, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप सीटेट के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी बुक ले सकते हैं। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो सबसे पहले जो आपका कॉमन सा सवाल है, जो केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट में नए रूल्स बनाए जाएंगे उसमें क्या अब बीएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बीएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रूल्स बनाए गए हैं। और आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय की जब हम बात करते हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है। बाकी अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिक्रूटमेंट होती तो वहाँ पर दोस्तों स्टेट अपने हिसाब से कर सकता था, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है तो ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। बीएड वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी जब हम TGT की बात करते हैं तो TGT के बारे में आप जानते होंगे, जो KVS की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलती है TGT के लिए, उसमें जो आप एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम में जिस भी TGT विषय के आप शिक्षक बनने वाले हैं उस विषय से एक भी शब्द आपसे नहीं पूछा जाता। चाहे TGT में आप किसी भी विषय के शिक्षक बनेंगे, सबका पेपर एक जैसा होता है, सबका सिलेबस एक जैसा होता है, सबका एग्ज़ाम पैटर्न भी एक जैसा होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अदर रिक्रूटमेंट की बात करें, स्टेट की कर लें, DSSSB की कर लें, तो इसमें दोस्तों अलग होता है। कॉमन पेपर तो सबका एक जैसे आता है DSSSB में, लेकिन जो विषय संबंधित होता है वो सबका अलग अलग आता है। लेकिन KVS में ऐसा तो कि इसमें सबका TGT में आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको सेम ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम आएगा सिलेबस होगा ठीक है, और सेम ही उसमें आपका एग्जाम पैटर्न होगा। तो दोस्तों अब ये कहा जा सकता है कि शायद से भविष्य में जो आपको TGT की रिक्रूटमेंट देखने को मिले अगर उसमें ये नए रूल्स लगा देते हैं तो फिर आपसे TGT में भी सब्जेक्ट पूछ लिया जाए। बाकी कितना क्या किस तरह से पूछा जाएगा ये तो दोस्तों जब भविष्य में ऑफिशियल रूप से अपडेट आएगा जब भी इसके बारे में सटीक रूप से जानकारी हो पाएगी। और PRT और TGT से अलग जब हम PGT की बात करते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं PGT में आपके कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा पॉलिटिकल साइंस, आपका PGT में KVS में पॉलिटिकल साइंस की कोई भी पोस्ट ही नहीं है। अब भविष्य में शायद आपको PGT पॉलिटिकल साइंस की भी पोस्ट देखने को मिल जाए, इसी के साथ साथ PGT संस्कृत की भी आपकी कोई पोस्ट नहीं है तो शायद से आपको PGT संस्कृत की भी देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम चांस है मतलब आपकी पोस्ट आ जाएगी वो PGT पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। अब संस्कृत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6th से 10th अगर TGT की बात करते हैं तो उसमें आपका संस्कृत सब्जेक्ट होता है, इसलिए शायद से PGT संस्कृत भी आपका उसमें आ जाए। बाकी इसके अलावा अदर जो आपकी लैंग्वेज होती है जैसे उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, तो इनका मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि TGT में सब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है। बाकी आप विस्तृत रूप से देखोगे TGT संस्कृत आपको हर जगह KVS स्कूल में देखने को मिल जाएगी। तो शायद से दोस्तों आपको भविष्य में केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आने वाले PGT परमानेंट रिक्रूटमेंट में आपको कुछ सब्जेक्ट और देखने को मिल जाए। बाकी कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे जो नई शिक्षा नीति आई उसका KVS की परमानेंट रिक्रूटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों उसका KVS की परमानेंट रिक्रूटमेंट पर ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो KVS के अभी फिलहाल जो रूल चल रहे रिक्रूटमेंट रूल है, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो नई शिक्षा नीति में बात की गई है, सेम का सेम आपको लमसम देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें यही बात की गई है एग्जाम आपका होगा ठीक है KVS लेता है, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा ठीक है KVS लेता है, और जो इंटरव्यू में ये शायद अलग अलग हो जाए क्योंकि जो नई शिक्षा नीति उसमें आपसे डेमो वगैरह की बात की गई है, लेकिन KVS में दोस्तों इंटरव्यू के दौरान ही आपसे डेमो
ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसका एक विस्तृत रूप देखने को मिल जाए भविष्य में अगर नई शिक्षा नीति का प्रभाव पड़े, लेकिन ज़्यादा खास आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इससे अलग अगर कोई नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग कोई अदर रिक्रूटमेंट निकलती है, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको विशेष रूप से निश्चित ही काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं TGT PGT PRT पोस्ट के लिए आप दिल्ली में अगर शिक्षक बनते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, इधर आपका इंटरव्यू नहीं होता, ना ही आपको कोई डेमो देना होता, कुछ भी नहीं करना होता, आपको एक एग्जाम पास करना होता है, उसके आधार पर ही आपके परमानेंट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर नई शिक्षा नीति दोस्तों अगर इधर लागू कर दी जाएगी, मतलब रिक्रूटमेंट में TGT PGT PRT के लिए, तो निश्चित रूप से इधर तो फर्क आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा KVS NVS इधर खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है, और काफ़ी हद तक काफ़ी रूल्स दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो TGT PGT PRT की परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है उसमें पहले से फॉलो किए जा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही आपके छोटे मोटे डाउट थे, बाकी गौर करने वाली बात ये जो भी केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट रिक्रूटमेंट से रूल्स में परिवर्तन किया गया है, ये आपको अब जो भविष्य में 2022 में परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर 2022 के बाद जो आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, बाकी भविष्य में जो भी केंद्रीय विद्यालय परमानेंट रिक्रूटमेंट रूल्स में परिवर्तन किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको निश्चित रूप से सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल केवल शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। बाकी आप हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर दोस्तों आप किसी भी टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।